उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर के कस्बा सियाना में पार्क के गेट के ऊपर एक बार फिर लिखा गया पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम। आपको बताते चले कि काफी लंबे विवाद के बाद एक बार फिर पार्क पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का नाम लिखा गया है। जहां कुछ माह पहले कल्याण सिंह के नाम लिखे जाने पर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ था। हंगामा होने के बाद पार्क के गेट के ऊपर से नाम को मिटा दिया गया था, तो वहीं आज क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने एक बार नाम को फिर से लिखवाया है और कहा है कि बाबूजी कल्याण सिंह के नाम को इस गेट पर लिखवाया गया है तथा यह नाम बोर्ड बैठक में पास होकर मेरठ कमिश्नर से भी पास होकर लिखवाया गया है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, आज शाने में पार्क पर एक बार फिर बाबूजी कल्याण सिंह का नाम लिखा गया है। यहाँ की जो जनता है सबकी एक जनभावना थी कि ये जो पार्क है बाबूजी के नाम से हो, और ये नगर पालिका बोर्ड में ये प्रस्ताव हुआ, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और ये अब जो कमिश्नर साहब के यहाँ से अनुमोदन होता है तो ये जनता के अनुरूप और जनभावना के अनुरूप ये नाम तो अब ये परमानेंट यहाँ पर लिखा गया है। परमानेंट यही होगा बाबूजी के नाम से, बोर्ड ने पास कर दिया, अनुमोदन हो जाएगा कमिश्नर का, तो कौन सी बात है, परमानेंट ना, जन जन की सबकी यही आवाज थी।